लोग भी फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, और अगर आप लोग भी फ्लिपकार्ट से मोबाइल रिचार्ज करना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जो कि आप लोग सुन लेकर लास्ट तक पूरा जरूर वॉच करी। और इस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग यहाँ पर जो है कि यहाँ पर पेटीएम से रिचार्ज करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन है माई जियो से अगर आप लोग भी रिचार्ज करते हैं, तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट से रिचार्ज करना सिखाऊंगा। हाँ गाइस, तो इस वीडियो को जो कि आप लोगों को सुन लेकर लास्ट तक जरूर पूरा वॉच करना है। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी हमारे टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो गाइस इस छोटे से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो इस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कि अपने मोबाइल फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना है। वैसे यहाँ पर मैंने अपना फ्लिपकार्ट जो कि ओपन कर लिया है। तो गाइस यहाँ पर मेरा फ्लिपकार्ट ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप लोगों अब क्या करना है, आपको अपना रिचार्ज करना है। तो गाइस यहाँ पर नीचे आपको पहले सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है फ्लिपकार्ट। वैसे यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन यहाँ पर दो, यहाँ पर गोल आइकन में यहाँ पर बिंदी दिखाई दे रही है। तो गाइस वहाँ पर नीचे साइड आपको क्लिक कर देना है। जैसे कहीं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्मार्ट स्मार्ट स्टोर यहाँ पर क्रेडिट का ऑप्शन आ जाता है दो। वैसे यहाँ पर स्मार्ट स्टोर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लोग यहाँ पर ऊपर ही साइड देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ गए मोबाइल वोल्टर ब्रांड फास्ट टैग। तो वैसे यहाँ पर आपको मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैसे यहाँ पर सर्चिंग चल रहा है, यहाँ पर वॉइस यहाँ पर थोड़ा लोडिंग। तो वैसे यहाँ पर आप थोड़ा वेटिंग करना होगा। वैसे दो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ गया है। इसके बाद होगा इस यहाँ पर ऊपर देख आपको यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर प्रीपेड या पोस्ट पेड आपका कोई सा फ़ोन है, अगर आपका जियो का है मोबाइल तो यहाँ पर पोस्ट पेड होगा, अगर आपका टैबलेट मोबाइल है या स्मार्टफोन है यहाँ पर प्रीपेड होगा। बस यहाँ पर आपको अपना ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना है आपका, जैसे भी यहाँ पर जो भी कंपनी का सिम है। तो वैसे यहाँ पर मेरा जो कि जियो का है। और इस यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन चुन लेना है, अगर आप कहीं पर भी तो इस यहाँ पर जो कि मेरा एमपी का है। तो इस यहाँ पर अमाउंट चुन लेना है आपको कितने रुपए का रिचार्ज करना है। अगर इस यहाँ पर आप लोग भी सस्ता सस्ता रिचार्ज देखना चाहते हैं वैसे यहाँ पर चेक प्लान वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो इस यहाँ पर लोग इतने सारे प्लान आ जाते हैं। तो इस यहाँ से आप लोग डाटा रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो इस यहाँ से होगा इस यहाँ से देखो आप लोग भी स्मार्ट रिचार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर होगा इतने सारे रिचार्ज हो, यहाँ से आप लोग कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। इस फिलहाल मैंने ये वाला कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है। तो वही यहाँ पर मैंने जो कि यहाँ पर 11 रुपये वाला सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर रिचार्ज नाउ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे कहीं से यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे वैसे यहाँ पर टोटल अमाउंट 211 है। यहाँ पर आपका जो कि ये सब प्लान आ जाएगा। तो वही यहाँ पर आप वैसे यहाँ पर पेमेंट समरी तो नीचे साइड लिखा है देखो इस प्रोडक्ट टू पेमेंट समरी। तो उस पर आप हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइस यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वैसे यहाँ पर तो नॉट बसेस प्लान फाउंड, यानी कि इसका मतलब है कि मेरे पास अभी मेरा पेटीएम से है ना जो कि मेरे पेटीएम में अभी जो कि मिनिमम विड्रो बिल्कुल ही नहीं है, मेरे मेरे पेटीएम में जो कि पैसा नहीं है, इसलिए वो रिचार्ज नहीं हो पाया। और गाइस अगर आपके पेटीएम में रिचार्ज पैसे होंगे तो आपका जो कि यहाँ पर रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। तो है गाइस, तो आज की हमारी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दीजिए। तो गाइस अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखिए।